खबर मंदसौर जिले के गरोट से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र आश्रम गरोट में आज नवरात्रि के अष्टमी पर देवी स्वरूप कन्याओं के लिए कन्या भोज रखा गया। साथ ही कन्याओं के हाथों ही गरोट सेवा केंद्र आश्रम के पुनर्निर्माण हेतु भूमि पूजन व पौधारोपण भी किया गया। सर्वप्रथम कन्याओं को ओम शांति स्मरण कराया गया, उसके पश्चात गरोट ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका शीतल बहन द्वारा मंदसौर से आई समिता बहन सेवा केंद्र संचालित मंदसौर तथा भानपुरा से आई सरिता बहन का चंदन का टीका लगाकर व लाल चुनर उड़ाकर स्वागत किया गया और कार्यक्रम में पधारी देवी स्वरूप सभी कन्याओं का चंदन का टीका लगाकर लाल चुनर उड़ाकर स्वागत किया गया। मंदसौर ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र संचालिका समिता बहन द्वारा कन्याओं को नवरात्रि का पर्व का अर्थ समझाया गया कि कैसे माता ने अपने शक्ति स्वरूप काली रूप में असुरों का संहार किया और धरती पर से क्रोध पाप को दूर करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में ब्रह्मा कुमारी बहनों तथा कन्याओं द्वारा सेवा केंद्र गरोट आश्रम के पुनर्निर्माण हेतु भूमि पूजन व पौधारोपण भी किया गया। उसके पश्चात कन्याओं को भोजन कराया गया। भोजन पश्चात कन्याओं को एक सकारात्मक अनुभव शक्ति प्रदान करने के लिए ओम शांति पेन तथा एक सुविचार कार्ड भी दिया गया। गरोट संवाददाता लक्ष्मी पांचाल की रिपोर्ट। ओम शांति। सर्वप्रथम गरोट के दर्शक जनों को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आज नवरात्रि पर्व के उपलक्ष में इस सेवा केंद्र पर हमने कन्या भोज का आयोजन रखा था। उसी निमित्त यहाँ पर गरोट सेवा केंद्र के पुनर्निर्माण के लिए हमने इन कन्याओं के द्वारा इस कार्य का शुभारंभ किया और पौधारोपण भी किया। नवरात्रि पर्व हमारे लिए संदेश लेकर आता है कि हम आसुरी शक्तियों के ऊपर दैवी शक्तियों के द्वारा विजय प्राप्त करें। भारत देश त्योहारों का देश है, जहाँ पर 365 दिन हम कोई ना कोई त्यौहार मनाते हैं और आज ये नवरात्रि पर्व जिसके पीछे रात्रि शब्द जुड़ा हुआ है, ये हमें संदेश देता है कि इस कलयुग की घोर रात्रि में स्वयं परमात्मा शिव, जिनको कालों का काल महाकाल कहा जाता है, वो स्वयं इस धरा पर आकर नारी शक्ति को शिव शक्ति बनाकर उनके अंदर निहित आध्यात्मिक की शक्तियों को जागृत करके उनका आत्मद्वीप ज्ञान घृत के द्वारा प्रज्वलित करके उन नारी शक्तियों के द्वारा विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं। और आज वो ब्रह्मा कुमारी बहनें जो शिव की शक्तियां हैं, पूरे विश्व में समाज कल्याण के लिए, समाज के उत्थान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके जग कल्याण का कार्य कर रही हैं। जन जन को आध्यात्म की रोशनी जला रही हैं। हर घर में कैसे स्वर्ग आए, घर घर स्वर्ग बन जाए, ये संदेश दे रही हैं। तो आइए हम सब इस नवरात्रि पर्व से प्रेरणा लेकर कि अपने अंदर की आसुरी शक्तियों को हम कैसे समाप्त करें, उस दिव्य गुणों को जागृत करके। तो पुनः आप सभी को नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। शुभ दिन है, आज महागौरी माता की पूजा हो रही है और आज अष्टमी के दिन हम यहाँ पर सब नौ कन्याओं का भोजन करवाए। तो ये जो नौ कन्याएं हैं, ये सब देवियों का ही
रूप है। वास्तव में हम देखते हैं कि दुर्गा माँ जी को असुरों का संहार करते हुए दिखाया गया है। वास्तव में माँ कोई राक्षस को इस तरह से त्रिशूल से या तलवार से मतलब वध नहीं करती है। वास्तव में अगर देखा जाए तो हमारे अंदर की ये आसुरी वृत्तियाँ हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो राक्षसी वृत्ति है, उसका अभी परमात्मा इस संगम युग में, जबकि कलयुग जाने वाला है और सत्ययुग आने वाला है, इस संगम युग में आकर के परमात्मा इन ब्रह्मा कुमारी दीदियों को अपना शक्ति का दान दे करके सभी अंदर जो आज इंसान के अंदर आसुरी वृत्ति है, जैसे आज आसुरी वृत्ति मतलब क्या, अगर हम देखेंगे कि देवियों को जो दिखाते हैं कि त्रिशूल में, हाथ में त्रिशूल है और एक राक्षस का वध कर रही है, तो इसका एक चित्रांक मतलब रूपांतरण चित्रांकन किया गया है। जिस तरह से अगर मैं यहाँ पर कोई बुरी वृत्ति से आए, कोई शराबी व्यक्ति है या क्रोधी है, मतलब बुरा उसके अंदर आचरण है, अगर उसको मैं ज्ञान सुनाऊं और उसके अंदर वो हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तो उस समय उसको अगर किसी चित्रकार को कहा जाए कि इसको आप क्या बोलते हैं, चित्र बनाइए कि इस दीदी ने ज्ञान सुनाया और ये व्यक्ति परिवर्तन हो गया, तो क्या करेंगे वो चित्रकार, कैसा बनाएगा? जो बुरे व्यक्ति है उसको एक राक्षस के रूप में दिखाएगा और जिन्होंने ज्ञान सुनाया उसको एक देवी के रूप में दिखा देंगे। तो इसी तरह से इस संगम युग में परमात्मा जो ज्ञान दे रहे हैं, तो इस ज्ञान के द्वारा ही इस संसार का परिवर्तन हुआ। आज हम देखें तो चारों तरफ भ्रष्टाचार और पापाचार का राज्य है, तो इस दुनिया को स्वर्णिम दुनिया बनाने के लिए परमात्मा का इस धरा पर अवतरण हुआ है। तो अभी ये कार्य परमात्मा इन ब्रह्मा कुमारी बहनों के द्वारा कराते हैं और इसका यादगार फिर कालांतर में जब द्वापर युग आता है, द्वापर कलयुग में, तो इंसान उसका चित्र बना करके, मूर्ति बना करके पूजा करने लग जाते हैं। वास्तव में ये चित्रांकन किया गया है, रियल में माँ ने किसी का वध नहीं किया है, अंदर की हमारे अंदर की आसुरी वृत्तियों का संहार किया उन्होंने। अच्छा, ओम शांति। खबर पर है न्यूज प्लस 24 की पैनी नजर। क्षेत्र की सबसे बड़ी खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए आपका क्षेत्रीय न्यूज चैनल न्यूज प्लस 24। क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज प्लस 24 के साथ। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बेल आइकन पर जाएं और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज प्लस 24 को और पाइए सबसे पहले क्षेत्र की सबसे नई रोचक खबरें। YouTube चैनल के साथ ही आप टीवी चैनल पर भी ले सकते हैं क्षेत्रीय खबरों की जानकारी। जनता के मुद्दों को प्राथमिकता से उठाता रहा है न्यूज प्लस 24। आगे भी बना रहे आपका सहयोग। ज्यादा जानकारी के लिए करें YouTube चैनल न्यूज प्लस 24 को सब्सक्राइब या RSC डिजिटल गरोड़ न्यूज चैनल पर देख सकते हैं प्रसारण रात 9 बजे, सुबह 8 बजे व दिन में 12 बजे प्रसारित होता है समाचार बुलेटिन। साथ ही यदि आप देना चाहते हैं कोई सुझाव तो करें कमेंट बॉक्स में कमेंट। न्यूज प्लस 24, सच्चाई आप तक।